यहाँ पर आपको मेन हेडिंग्स जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मेन हेडिंग है जिसके लिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करके यहाँ लाते हैं। फिर ये सारे आइटम्स हमें ऐड करने हैं या लेस करने हैं। उसके बाद जो आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है। फिर हमें ऐड करना है डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, और लेस करना है इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। इसके बाद जो आंसर आता है वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हमें लेस करना है इनकम टैक्स पेड, है ना, इनकम टैक्स पेड, है ना, नेट ऑफ टैक्स रिफंड, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रैक्टिकली। फिर कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो हमें क्या करना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का अपोजिट ट्रीटमेंट करना है। सपोज जो क्वेश्चन आज अभी हम कर रहे थे उसमें आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, है ना, हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने वो माइनस किया था, तो यहाँ पर अपोजिट ट्रीटमेंट होगा, वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ऐड होगा, है ना। वहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ ऐड होता है। सपोज वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते तो हम वहाँ पर माइनस करते, वहाँ पर हम प्लस करते, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए प्लस करते, तो यहाँ लाके माइनस कर देते, है ना। फिर उसके बाद जो आपका जो है कैश फ्लो फ्रॉम, यदि प्लस में आंसर आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, और निगेटिव आंसर आता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। हम जो क्वेश्चन आज कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन था, उसमें हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसमें जो मैड वाला होता है, मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास 2 ईयर्स का प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है तो यहाँ पर आपको करंट ईयर का लिखना है, है ना, करंट ईयर का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमारी लेस हो जाएगी, है ना, इंश्योरेंस क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम लेस होने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आया, उसमें हमने ऐड किया डेप्रिसिएशन, लेस किया गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे हमें जो आंसर आया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया। उसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, जो मैंने आपको कॉपी में लिखवा, मतलब बुक में टिक करवा दिया था। उसके बाद हम लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, वो भी मैंने आपको टिक करा दिया था। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर आएगा 631,000 वो क्या रहेगा, वो आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा। उसमें आपको ऐड करना है इंश्योरेंस क्लेम, जो इंश्योरेंस से क्लेम आपको रिसीव हुआ है वो ऐड करना है, और इनकम टैक्स पेड माइनस करना है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वही टैक्स पेड अज्यूम होगा और वो माइनस करना है। ये दो चीज़ें हमारी रह गई थी लाइव क्लास में, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया आपको कि ऐड क्या करना है। ऐड हमें करना है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, क्योंकि वहाँ हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इस इनकम को लेस करते हैं, तो यहाँ पर लेस का अपोजिट ट्रीटमेंट ऐड होगा, यहाँ पर हम उसे ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमें इनकम टैक्स पेड माइनस करना है। कैसे पता चलता है इनकम टैक्स माइनस पेड, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर्स के प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, तो जो प्रीवियस ईयर का है वो हम टैक्स पेड लिखेंगे। बाकी इसका एक अकाउंट बनता है, जब 3 इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं अकाउंट बना के आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट यहाँ पर अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ओके okay?